बाप है तुम्हारे सामिया, अब किस्मती से बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ता और हम कभी उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर। बस बहुत दिन हो गए थे तुमसे बात किए, और बताओ घर पे सब कैसे हैं? अच्छा तानिया ने आपको सब कुछ बता दिया? अफना भी किया था उससे? सब बता दिया। वैसे मुझे अब भी लगता है कि मैंने सैफ से तुम्हारी शादी कर ही गलती नहीं, और अगर की है तो इसकी सजा मैं तुम्हारे साथ भुगतूं। अम्मा मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकती तो गलती क्यों करेंगी? शादी के बाद हर लड़की को ऐसी बातें फेस करनी पड़ती हैं। मैं भी कर लूंगी। और हाँ अम्मा प्लीज अब्बा को कुछ ना कहिएगा, वो ऑलरेडी मेरी तरफ से बहुत परेशान है, प्रॉमिस करें। बाप है तुम्हारे सामने, अब किस्मती से बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ता और हम कभी उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर। बेलौस और बेगर्ज रिश्तों से कभी कुछ नहीं छुपाते बेटा, इसीलिए ना मैंने कभी तुम्हारे बाबा से कुछ छुपाया है और मैं कभी छुपाऊंगी। तो वैसे भी उनकी लाडली बेटी हो, तुम्हें देखेंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ। ये याद रखना बेटा, हम तुम्हारे अच्छे बुरे दोनों में तुम्हारे साथ खड़े होंगे हमेशा। अम्मा अब ये मेरे मसले हैं, पढ़ने लिखने का इतना तो फायदा होना चाहिए कि मैं अपने मसले खुद रिजॉल्व कर सकूं। प्लीज मुझे हैंडल करने दीजिए, और अगर मुझसे ना हुआ तो आपकी मदद तो है ना हमेशा। जीती रहो सौम्या। हाँ बेटा हम हैं। मैं रखती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं अम्मा, खुदा हाफिज। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे।